यहाँ पे एक पर्पल सनबर्ड को कृष्णचूड़ा या पीकॉक फ्लावर का पराग चुनते हुए देख सकते हैं। वो अपनी लंबी टेढ़ी चोंच से पराग को चूसती है। ये पीकॉक फ्लावर्स या कृष्णचूड़ा दरअसल मटर के परिवार पी फैमिली का एक सदस्य है और ये पौधे दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में पाए जाते हैं। इन फूलों को सामान्यतः पीकॉक फ्लावर, रेड बर्ड पैराडाइज या पोइंसियानिया कहा जाता है। ये पेड़ ये पौधे लगभग 3 मीटर की ऊंचाई तक बड़े होते हैं। इनकी पत्तियां बाईपिनेट होती हैं और लगभग गुलमोहर की पत्तियों के साथ मिलती जुलती हैं। इनके फूलों के विविध रंग और बहुत खूबसूरत रंग होते हैं, कोई पीले, कोई लाल, कोई नारंगी। और ये पीले आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, हर एक में 5 पंखुड़ियाँ होती हैं और ये उनकी फलियाँ हैं, हरी फलियाँ, जो बाद में उम्र के साथ में इन हरी फलियों का रंग भूरा हो जाता है। ये कृष्णचूड़ा को अक्सर एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है निजी और सार्वजनिक बागों के अंदर। इस पेड़ को आप काट छाट कर सकते हैं, इसीलिए इसको एक हेज जैसे भी उगाया जाता है। और इसके खूबसूरत फूलों की वजह से बहुत सारी पक्षियाँ, बहुत सारी चिड़ियाँ और मधुमक्खियाँ इस पेड़ की ओर आकर्षित होती हैं। हिंदी में इस फूल का नाम है कृष्णचूड़ा, मराठी में इसको शंकासुर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तिकोने पैटर्न के अंदर इन पौधों को लगाया गया है। ये भूरे इनकी फलियां हैं, सूखी भी थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। इनके बीच में आप एक ढीली पिन घुसाइए और जैसे ही आप फूंकेंगे ये छोटी सी जो फली है फर फर करके एक पंखे जैसी घूमेगी। तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा इससे खिलौना भी बन सकता है।